फाउंडेशन की ओर से नौवा इफ्तिकारुद्दीन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आरंभ सोमवार को धर्मपुर साइनिंग ग्राउंड में किया गया। पहला खेल HNYCC वर्सेस आर्यन क्लब के बीच खेली गई। 16 टीम इस टूर्नामेंट में भाग लेगी। सेलाईएसपी के जीएम टाउन, जीएम एचआरडी, आरपीएफ ओशी, पार्षद जफर अली खान, हीरापुर थाना सीआई अभिजीत चैटर्जी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। पायल पीस फाउंडेशन के संस्थापक सैयद इम्तियाज सैयद फरीदुद्दीन ने उपस्थित सभी मेहमानों का भव्य स्वागत किया। सभी दर्शकों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जरा ताली देकर स्वागत करें। प्रोग्राम पायल पीस फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है। इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर HNYCC था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वही टूर्नामेंट है जिस टूर्नामेंट में ऐसे ऐसे दिलचस्प ऑडियंस मिलेंगे जो एक भी मैच को नागा नहीं करते। उस शख्स का नाम है सैयद इम्तियाज अहमद। मैं समझता हूं कि इस टूर्नामेंट के शुरुआत में अगर एक बार हाथ ताली बजाए, मैं समझता हूं सिर्फ इंटरटेनमेंट ही मकसद नहीं है उनका। ये 1.5 महीना तक टूर्नामेंट चलेगा, लोग मतलब अपनी तमाम मुसीबत तकलीफ को भूलकर खेलने के लिए देखने के लिए आएंगे और अच्छी अच्छी बातें करके यहाँ जाएंगे। उसका मकसद है कि यहाँ से एक अच्छा अच्छा खिलाड़ी निकले, इस टूर्नामेंट के जरिए अच्छा अच्छा प्लेयर्स निकले। और यही कारण है कि ये टूर्नामेंट जब शुरू हुआ था तो वार्ड नंबर 98 को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन सैयद इम्तियाज अहमद की कोशिशों से आज ये 4 वार्ड को लेकर ये टूर्नामेंट चलता है। सभी प्लेयर्स को खबर आसनसोल में फिलहाल लग चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए खबरों के साथ। छोटे बच्चे खाने और खेलने के अलावा कुछ नहीं जानते। पढ़ते पढ़ते बच्चे जब चाहे खेल लें और खेलते खेलते जब चाहे ये पढ़ लें, ऐसा बंदोबस्त तो बस ASN प्ले स्कूल में ही मौजूद है। बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए इंग्लिश मीडियम ASN प्ले स्कूल, ऑडियो वीडियो क्लासेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस। Student and teacher of our school are very smart. Me for head of class UKG. We respect our principal, thank you. आर्ट एंड क्राफ्ट, स्किल डेवलपमेंट और प्ले ग्राउंड की फैसिलिटी के साथ प्ले ग्रुप से क्लास 5 तक दाखिला जारी है। यहां बच्चों की आमदोरफ्त के लिए ट्रांसपोर्टिंग की सहूलत भी मौजूद है। ASN प्ले स्कूल, सोस्टी नगर, इस्माइल साउथ।
हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिब्बतन पोटाला मार्केट आसनसोल बस स्टैंड में खुल चुका है। यहां हर तरह के गर्म कपड़े जैसे जैकेट, स्वेटर, शॉल, कंबल, टोपी, मफलर उचित कीमतों पर उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की है, आज ही आइए तिब्बतन पोटाला मार्केट, पुराना बस स्टैंड आसनसोल। ब्रेक के वापसी के बाद स्वागत है। काम के लिए घर से निकला एक युवक फिर अपने घर वापस आ न सका, यह घटना आसनसोल स्माइल इलाके की है। युवक का नाम सुमन राय उर्फ तारक है, वह एक सिक्योरिटी एजेंसी में कार्य करता था। उसकी लापता की खबर हीरापुर थाना में दर्ज करवाई गई है। মানে কি কি হয়েছিল, কখন গিয়েছিল, কবে থেকে পাচ্ছেন না? আমি खबर आसनसोल में आज के लिए बस इतना ही। कल होगी आपसे फिर से मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।